सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। बाकी गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस, अगर आप लोग इस तरीके की फोटो एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद क्या करना है, थ्री लाइन पे जाना है, सॉरी यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे इसको रिसाइज करना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल से इसको 3K कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको 3K कर लेते हैं, यहाँ पे रिसाइज वाले पे क्लिक करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा। रिसाइज से क्या होता है, जो गाइस आपकी पिक्सल है वो इंक्रीज हो जाती है और गाइस वो फटती नहीं है। उसके बाद सिंपल से क्या करना है, आपने ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक। और यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा एक सरफेस का PNG यानी सेट है। तो सिंपल से क्या करना है, आपने इसको ऐड करना है, जस्ट फुल बैकग्राउंड पे करना है और ये गाइस आपका सेट होगा, देन सिंपल से डन कर देना है। फिर गाइस आपको ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा जो बॉक्सिंग रिंग में साइड साइड वो वायर रहते हैं उसकी PNG आपको मिल जाएगी। तो इसको सिंपल से आपने जस्ट फुल बैकग्राउंड पे करना है और गाइस ये भी सेट हो जाएगा, देन सिंपल से आपने इसको डन कर लेना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये गाइस हमारे एकदम परफेक्टली सेट हो चुके हैं। उसके बाद गाइस हम फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाते हैं और गाइस यहाँ पे हम दूसरी PNG को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो देख सकते हो, आप इस पर बॉक्सिंग करते हो उसकी PNG आपको मिल जाएगी। तो आपने इसको ऐड करना है, यहाँ पे इसको ऊपर के साइड में लगाना है। तो यहाँ पे साइज आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये काफी ज्यादा छोटा लग रहा है तो यहाँ पे हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करते हैं, हाँ इतना सही है। देन क्या करके सिंपल से इसको डन करेंगे, और डन करने के बाद अपन को क्या करना है, सिंपल से ऐसे ड्रॉ टूल में आना है और यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखो ऐड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है, फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से गाइस जो कैट की PNG है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करना है, यहाँ पे इसको नीचे साइड लगा देना है, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। इसको हम लगाएंगे राइट हैंड साइड में, और उसके बाद गाइस हम फिर लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं, और फिर हम ऐड ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से गाइस हम अपनी दूसरी PNG को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी मॉडल वाली PNG हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है, कटआउट की वीडियो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से मॉडल वाले लेयर को ट्रांसफॉर्म पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फ्लिप करते हैं। तो उसके बाद से ये उल्टा घूम जाएगा, तो ये गाइस अब क्या होगा, जो कैट का साइड है उस टाइप से इसका फेस होगा, तो ये थोड़ा सही लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे मॉडल में साइडों की जरूरत है, कैट में पहले से ही लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे, साइज को हम देखेंगे कि साइज किसका ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल है वो अब ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं, उसको मॉडल के नीचे रखेंगे, ऐड फोटो पर जाएंगे और यहाँ पे जो गाइस हमारी साइडों की PNG हम उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, सिंपल से जस्ट इसको नीचे का साइड लगाना है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे ले जाते हैं और यहाँ पे इसको हम ट्रांसफॉर्म करके सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और जो इसका एक्स्ट्रा एक पार्ट है उसको गाइस आपने इरेज कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपल से इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे ब्रश काफी ज्यादा छोटा है तो सिंपल से ब्रश को इंक्रीज करेंगे और इसको हम इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको इरेज कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने उसी लेयर की एक कॉपी बनानी है, जो गाइस आपकी शैडो लेयर है उसकी एक 3 डॉट लाइन को क्लिक करनी है और यहाँ पे इसकी एक कॉपी बनानी है और फिर इसको सूज के नीचे आपने सेट कर देना है। तो इस तरह से गाइस जहाँ पे भी गाइस आपको शैडो की जरूरत है, सिंपल से उस लेयर की कॉपी करनी है और उसको ट्रांसफॉर्म पे लेके जाना है और उसके बाद इसको एडजस्ट करके सेट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आपने शैडो बना लेना है, जहाँ पे गाइस हमारे एक हैंड के पास छूट गया है तो हम इसको सिंपल से ट्रांसफॉर्म पे लेके जाएंगे और वहाँ पे भी सेट कर लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे सभी जगह सेट और रेडी कर लिया है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। तो सिंपल से क्या करना है, आपने इसको डन कर देना है, ठीक। और यहाँ पे उसके बाद से एफएक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, चलते हैं हम एफएक्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा एक फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा एक शार्पेन फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे फिल्टर है जिनको अप्लाई करके भी आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, लेकिन मैं आपको लाइटरूम की प्रीसेट दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जाते हैं, शार्पेन फिल्टर हमारा है। तो इसको अप्लाई करने के बाद जो इसकी फेड है उसको आपने रख लेना है 70 आसपास, और उसके बाद से गाइस आपने सिंपल से इसको डन कर देना है। और डन करने के बाद से ड्रॉ टूल में जाना है और यहां से गाइस कर लेना है सेव, और उसके बाद से गाइस आपने लाइटरूम में आना है और यहाँ पे आपने प्रीसेट को भी ऐड करना है साथ साथ अपनी फोटो को भी। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारी प्रीसेट, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग को यहाँ पे कॉपी करते हैं। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटो के ऊपर आना है, 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक। यहाँ पे देखो बहुत ही मस्त हमारी फोटो रेडी हुई है, यहाँ पे देखो तो बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कितनी ज्यादा मस्त हमारी फोटो रेडी हुई बस एक क्लिक में, आपको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।